शैलेश भाई, केपी भाई और बाकी कमेटी मेंबर से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ जो स्कोरिंग एरिया के सामने एक दीवार बनती है स्कोर और एम्पायर के दरमियान, एक जो लकीर बनती है उससे हट जाएं, उसमें दीवार ना बने। थैंक यू। इस मैच के बाद जो अगला मैच है वो आई थिंक बच्चों की कैटेगरी का है, शैलेश भाई कंफर्म करेंगे मुझे। पहले ओवर में 8 रन बने थे और इस ओवर में पहली गेंद पर 2 आया है, तो आई थिंक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और पूरे भारत में अगर सबसे समृद्ध कम्युनिटी कोई है तो वो जैन कम्युनिटी ही है। हालांकि हार्डली 2 से 3% पॉपुलेशन ही है पूरे भारत में, लेकिन सबसे समृद्ध कम्युनिटी और सबसे ज़्यादा सही रास्ते पर अग्रसर कोई कम्युनिटी है तो वो जैन कम्युनिटी है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि आप लोगों का गणित बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बिजनेस में गणित का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी, और जैन कम्युनिटी जानती है कि जिस व्यक्ति का गणित अच्छा हो वो किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। और आज अगर पूरे भारतवर्ष में टॉप बिजनेसमैन अगर आपको देखने हैं, पहले तो सिर्फ हम ये कहते थे कि सिर्फ धंधा करना जानते हैं, मतलब नॉर्मल जो व्यवसाय है वो जानते हैं, लेकिन आज के डेट में कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी कई ऐसे जैन कम्युनिटी के मेम्बर्स हैं, कई ऐसे जैन हमारे भाई हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया है पूरे न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में। कुछ रन और खाते में जुड़ता हुआ, वो नैनेश भाई से जो साइड में बैग रखा ना उनको बोला मैं स्कोर करूं वो दे देंगे। एक रन का इशारा, राज भाई कई इवेंट्स में हमारे साथ कमेंट्री भी करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ समय उन्हें भी इस मैदान पर कमेंट्री करने के लिए मैं आमंत्रित करूं, अगर वक्त हो तो। राज भाई प्लीज़ हमें जुड़िएगा कमेंट्री बॉक्स में। स्कोर है 11, साहिल कर रहे हैं गेंदबाजी। ओ बहुत अच्छी कोशिश, लाजवाब कोशिश थी वहां पर, आसान होता नहीं। टू मोर रन्स टेकन, सलामी बल्लेबाज पार्थ और उनके साथ साहिल, पार्थ और उनके साथ कुणाल, साहिल कर रहे हैं गेंदबाजी। ये खतरा वाला रन है, ये रिस्की रन है और करीबी मामला हो जाएगा। खिलाड़ी मौजूद थे मिड विकेट के क्षेत्र में सुनील के रूप में और यहां पर मिल गई सफलता, पार्थ हुए आउट और ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई शाह के सम्मान में विकेट नंबर 1। اللي اجى الزعيم العظيم على ديب ماذا فقر الشعب يقول اني حاكم كريم اي 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 ايوه لك تعرفون من هالشخص يا ماذا فقر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن سكور هي 13 رن अब गेंदबाजी करने जो आ रहे हैं आई थिंक एक बार जर्सी अंकित, यस थैंक यू अंकित भाई, अंकित करेंगे इस ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी। नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वो रनआउट के रूप में विकेट गिरा था। 2 ओवर के बाद स्कोर 13-1, यह है आशमा वीर कप 2022-23। डाउन द लेग वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, शैलेश भाई अगर आसपास में कहीं पर हो तो एक बार जो शेड्यूल है हमारे पास उसे कंफर्म करें। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अगला जो मैच है वो किड्स कैटेगरी का है। जी नहीं, पहले हम बॉयज के जो मैचेस हैं आज के शेड्यूल वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर वक्त बचा तो बच्चों के मैच कंप्लीट करेंगे। सो विल इट बी ऑक्सी 11 वर्सेस हियान ब्लास्टर्स, शैलेश भाई जो शेड्यूल है थोड़े समय में हम कंफर्म करते हैं, समय देखने के बाद अपडेट किया जाएगा कि अगला मैच कौन सी दो टीमों के दरमियान होगा। स्कोर
स्कोर में इस समय रन संख्या जो है वो 16 के आंकड़े पर पहुंची है। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। किड्स कैटेगरी की जो टीमें हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि हमारा ही मैच अगला रख दिया जाए, क्योंकि ये वो दौर है जहां किसी भी चीज से दिल भरता ही नहीं। किड्स कैटेगरी का एक मैच खेला जाएगा और वो किसका होगा वो शैलेश भाई बताएंगे, उसके बाद मेंस कैटेगरी का मैच होगा। शैलेश भाई इस तरफ आ जाइए ताकि स्कोरर को डिस्टर्ब ना हो। अंकित ने गेंदबाजी अब तक अच्छी की है लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटके रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर बाएं हाथ के खिलाफ थोड़ी सी परेशानी नजर आई है। बच्चा पार्टीज, गुड न्यूज फॉर यू, अगला मैच आपकी कैटेगरी से खेला जाएगा एंड द नेक्स्ट मैच वुड बी बिटवीन रॉयल किंग्स एंड एवेंजर्स असेंबल टीम्स, गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट मैच। तीन ओवर समाप्त हुए हैं। शेड्यूल के सिलसिले में अगर आपको बात करनी है तो शैलेश भाई से बात कीजिए। तीन ओवर समाप्त हुए और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 ओवर्स 23। बच्चों को कुछ डाउट है उनके शेड्यूल से लेके, कौन से कैप्टन को डाउट है आप शैलेश भाई से बात कीजिए। दोस्तों आप इस पूरे इवेंट को लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव भी हमारा ये पूरा इवेंट दिखाया जा रहा है। जो चैनल का नाम है वो है स्पोर्ट्स इन यू। 24 हुआ भाई, 24 हुआ 3 वाइड 3 सिंगल 4 सिंगल आया। आई थिंक स्कोर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमारे तीन स्कोरर हैं एट ए टाइम स्कोरिंग कर रहे हैं, एक बार फिर से टैली करेंगे और कंफर्म करेंगे। 3 सिंगल आया 3 वाइड आया और 2 डबल आया। तो दो ओवर के बाद 13 थे इस ओवर में। एक बार मैं क्विकली टैली कर लेता हूं। पहली बॉल वाइड 1 रन, फिर 3 सिंगल 4 हो गया, 1 वाइड 5 हो गया, फिर 1 सिंगल 6 हो गया, फिर 1 वाइड 7 हो गया, उसके बाद 2 डबल 11 रन आए। तो 13 और 11 24 होने चाहिए, चलिए बराबर है 24 रन है, 24। पिछले ओवर में 11 रन आए। गेंदबाज का नाम बता दें अगले ओवर में प्लीज। भाविक भाई कौन है बॉलर, मीत करेंगे गेंदबाजी। स्ट्राइक पर रौनक, नॉन कुणाल मीत करेंगे गेंद। राज भाई वेलकम है आपका। और तीन ओवर में 24 बने हैं, 5-5 ओवर के मुकाबले हैं। क्या लगता है आपके क्रिकेट के अनुभव से शाम के समय कहां तक पहुंचेगा 5 ओवर में स्कोर? अरमान भाई सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत ग्राउंड पे मुझे इनविटेशन देने के लिए। बहुत अच्छा ग्राउंड सजा हुआ और बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है ये ग्राउंड। पहली बार में मुझे ये मौका मिला है कि मैं यहाँ पर आकर आपके बीच में थोड़ी सी कमेंट्री कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्रिकेट जो है बहुत अद्भुत गेम है। लास्ट मोमेंट तक कुछ बोला नहीं जाता, लास्ट गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए इस वक्त कुछ कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। और जैसे कि आप सुबह से कमेंट्री कर रहे हो तो इस पिच का और इस ग्राउंड का ज़्यादातर अनुमान आपको होने की संभावना है। जी हाँ, निश्चित ही। और एक और जो बड़ा फैक्टर है इस मैदान पर रनों को बनने का वो है मैदान का भौगोलिक आकार। आप देख सकते हैं इस बार 4 रन दौड़ कर लिए गए। बहुत
फिजिकली मेंटेन करने के हिसाब से मेरे ख्याल से इस ग्राउंड को बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर रन भाग के लिए जा रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ कि बाउंड्री कम लग रही है और रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सर 24 रन था, पहली गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद डबल आया, फिर चौका, चार रन दौड़ कर लिए, तो अब तक 7 रन आए हैं। टोटल स्कोर 31 है। डोंट वरी, अगर मैं स्कोरर के आसपास हूं तो कोई भी रन टैली में डिफिकल्टी नहीं आएगी। भले ही मैं पैदाइश से जैन ना हूं, लेकिन आप लोगों के बीच रह रहकर आप लोगों के जो गुड़ है वो हमने सीख लिए हैं, और गणित का गुड़ तो सबसे पहले सीखा मैंने। 7 हवा में है गेंद, कुछ रन जरूर मिलेंगे और शायद जब तक गेंद फील्ड करके लौटाई जाएगी 2 रन और। बच्चों का मैच है, मैं अनाउंस करता हूं कौन सी टीम का मैच है। जैसे ये इनिंग कंप्लीट होगी, बच्चों का मैच किस दो टीम के दरमियान है वो घोषणा की जाएगी। शैलेश भाई विल बी द राइट पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन। टोटल स्कोर जो है वो पहुंचा है इस समय 33 रनों पर, 33 रन, 9 रन, 2, 4, 6, 2, 8, 9 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। और फिर से एक जबरदस्त शॉट, क्या क्या इस मर्तबा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, जी हाँ। सो अब जाकर कुणाल के बैट से निकलता हुआ ये मैक्सिमम, जी हाँ दोस्तों, जिसका प्रयास लगातार कर रहे थे, मैग्मा सिक्सर कुणाल शाह के बैट से। बहुत बढ़िया सिक्स, जैसे ही देखा ये फुल टॉस गेंद और बहुत खूबसूरती से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया इस सिक्स को, दर्शनीय सिक्स। इस सिक्सर से स्कोर अब बढ़कर आगे पहुंच गया है 39 रनों पर, 39 रन। क्या लगता है अरमान भाई, क्या स्कोर पहुंचेगा इस इनिंग्स? मैं तो इस ओवर की शुरुआत के समय कहने वाला था कि शायद 40-42 बने, लेकिन इस ओवर में जिस अंदाज में रन्स बने मुझे लग रहा है शायद 50-55 भी बन जाए तो कोई हैरत करने वाली बात नहीं होगी। और 50-55 रन चेस करना कितना आसान रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा? आज सुबह से मुझे नहीं लग रहा कि मेंस के मैचेस में 50 का आंकड़ा पार हुआ है क्या, अगर जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे याद दिला रही है शायद 40-45-50 के अंदर ही ज्यादातर मैचेस में रन्स बने हैं। तो ये हाईएस्ट स्कोर है अगर 50 बन जाता है तो। ये सिंगल मिला और 4 ओवर समाप्त हो गए। 4 ओवर के बाद जो स्कोर है वो पहुंचा है 40 रन पर, मतलब पिछले ओवर में 16 रन बनाए गए। एक सिक्सर भी देखने को मिला, 4 रन दौड़ कर भी लिए गए, सिंगल डबल भी आए और 4 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 40 रन, बल्लेबाजी करते हुए टीम नवकार 11 का। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा स्कोर, 10 के रन रेट से जिस प्रकार ये खेली जा रही है इनिंग, तो निश्चित तौर पर उम्मीद तो की जा सकती है कि कम से कम 10 रन तो और बन ही जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि 50+ का टारगेट बैटिंग टीम लेके चल रही हो। और टॉस जीतने के बाद जब बल्लेबाजी करने का फैसला किया अब टीम के कैप्टन कुणाल शाह जो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, मुझे थोड़ा सा अचंभित करने वाला निर्णय था उनका। गेंदबाजी करेंगे जैकिन आखिरी ओवर में, जो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी उतनी अच्छी करते हैं। जैकिन तैयार हैं गेंदबाजी के लिए। चलिए ये उन्होंने दिखा दी अपनी पहली गेंद पर कि किस तरह से वो मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में। पहली गेंद पर 1 रन डिक्लेयर, स्कोर 41। बहुत बढ़िया स्लोअर बॉल देखने को मिली है, इस पे पूरी तरह से बीट हो गए, लेकिन एक 22 के तौर पर रन में इजाफा अगली गेंद लेकर फिर एक बार तैयार, और इस बार ऊंची गई है, देखना है कैच हो तो पता है कि नहीं, और एक अच्छा आसान सा कॉटन बोल्ड, और इसी के साथ में अगले विकेट का पतन। जी हाँ, रौनक हुए आउट। हमारे विकेट के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, नैनेश जी शाह के सम्मान में ये विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। बढ़िया पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली। सो ब्रेक थ्रू दिलाया है जैकिन ने लंबे समय के बाद, अब जाकर कहीं सफलता मिली स्टैलियंस की टीम को। 41 है स्कोर, 4 बॉल्स टू गो ऑफ दिस इनिंग। मनन आए हैं न्यू बैटर, यहां खतरा हो सकता है, मना किया पहले, फिर उसके बाद जब हिट किया तब 1 रन के लिए निकले। इस बार क्या दूसरे के लिए भी जाएंगे? जी नहीं, कुणाल मना कर रहे हैं। सो 3 गेंदे शेष हैं,
और बहुत अच्छी गेंदबाजी बांध के रखा हुआ है, जहाँ के 10 की रन रेट से पहले 4 ओवर में स्कोर हुआ था और पहली 3 गेंदों में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है गेंदबाज ने। कुणाल है, कोशिश तो वही रहेगी बड़े स्टोक्स की, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक बार बढ़िया गेंद बाहर निकलती हुई और बाहर गई और वाइड का इशारा। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से, स्कोर 43 पर पहुंचा। फिर एक बार बीट और फिर एक बार वाइड का इशारा। देखना है एम्पायर का क्या इशारा आता है। वाइड का इशारा ऑलरेडी आ चुका है, वाइड का इशारा है और कई क्षेत्र हैं जो डिक्लेयर जोन है, अगर उस क्षेत्र के आसपास गेंद चली जाती है तो डिक्लेयर रन दिया जाता है। वो लाइन जिसके पीछे सभी लोग बैठे हुए हैं वहां अगर गेंद चली जाती है तो डिक्लेयर रन 1 मिलता है, और जो ऑफसाइड और ऑनसाइड के क्षेत्र हैं वहां पर अगर गेंदें जाती हैं तो 2 रन मिलते हैं। ये डिक्लेयर जोन में 1 रन बाय के रूप में इस मरतबा मिलेगा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, आखिरी ओवर जिस हिसाब से फेंक रहे हैं, बैट को गेंद कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए 1-1 रन में से टीम के स्कोर में इजाफा हो जा रहा है। 2 बॉल्स टू गो, लास्ट ओवर है ये पहली पारी का। फिर एक बार बढ़िया गेंद, कोई कनेक्शन नहीं, प्रयास भी कोई नहीं, डॉट रहती हुई ये गेंद, डॉट बॉल, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट इनिंग। बहुत अच्छी गेंद, बैट और पैड से लगकर 1 रन दोनों ही प्लेयर्स ने भाग लिया, और शायद ये आखिरी गेंद भी थी, एम्पायर कंफर्म कर रहे हैं। जी हाँ, लास्ट बॉल थी और इसी के साथ ये पारी हुई समाप्त। अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी क्योंकि जैकिन ने उस समय रनों को रोका जब काफी फ्लो में थे दोनों बल्लेबाज, पहले विकेट चटकाया रौनक का और उसके बाद आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन देकर अपना ओवर समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर जो रन्स बने वो है 46 और टारगेट रखा गया है स्टैलियंस टीम के सामने 47 रनों का। सो अब जो फाइनल घोषणा आ रही है, जो सूचना आ रही है वो ये है, बच्चों का जो अगला मैच खेला जाएगा, शैलेश भाई कंफर्म यही बोल दूं, एक तरफ एवेंजर्स की टीम रहेगी और दूसरी तरफ थंडर्स की टीम रहेगी। तो आइए दोनों कैप्टन से मेरा निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाएं। थंडर्स वर्सेस एवेंजर्स ये होगा मैच, और टॉस सेरेमनी में आपके साथ जुड़ेंगे आलोक राज भाई, हमें मैच की कॉमेंट्री में ज्वाइन करते रहेंगे। सो ओवर टू आलोक फॉर द नेक्स्ट मैच टॉस विच इज बिटवीन थंडर्स एंड अप अगेंस्ट थंडर्स वी हैव एवेंजर्स। एक आदमी जिसके जवानी का क्या राज है वो मुझे पता करना है, वो बताएंगे नहीं बताएंगे, भरत भाई उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। भाई मैं काफी स्लो हूँ तो इसकी आवाज को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो डीजे वाले भाई, थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम को और इंक्रीज कर दो सर। बच्चा पार्टी, थंडर्स एंड एवेंजर रिस्पेक्टिव कैप्टन्स, प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाएं। बच्चा पार्टी से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाए। एलिमिनेशन राउंड है। टॉस का बॉस एंड वी आर रिक्वेस्टिंग समवन फ्रॉम मातोश्री सरस्वती बेन मानिकचंद जी राठौड़, इनके परिवार से अगर कोई भी यहाँ पे हो सो उनसे वी आर हम्बल रिक्वेस्ट के काइंडली प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स द स्टेज। बोथ द कैप्टन्स विद मी। कल्प और अरहम दोनों ही कैप्टन हमारे बीच। इतनी एक्साइटमेंट हमने ना मेंस के या फिर वो बड़ों के मैचेस में नहीं देखी जितने लोग के लिए है इस मैच में। डू और डाई है क्या आप लोग के लिए मैच ये? हाँ, डू एंड डाई कंडीशन।
नॉकआउट है क्या ये? नॉकआउट है, हाँ शायद। टॉस के बॉस स्पॉन्सरर्स, वी आर रिक्वेस्टिंग फिर से मातोश्री सरस्वती बेन, मानिक चंद जी राठौर, संजय भाई राठौर या उनके परिवार से कोई भी यहाँ पे हैं, सो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज आए स्टेज पे। जब तक हम मैच की ओर रुख करते हैं, दूसरी इनिंग की पहली गेंद लेकर तैयार, 47 रन का पीछा करती हुई एक टीम, और ये फुल टॉस मिस और डॉट बॉल की इस पारी की शुरुआत। अबान कॉइन तेरे पास है क्या? फिर एक बार दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, एक इन शॉट पे जोर, पीछे जाकर बैक फुट पर टैप कर दिया सीधे मिड ऑफ की तरफ एक रन, और इसी के साथ मैं अपना और अपनी टीम का खाता खोला। एक बॉल पहला हो गया था। तीसरी गेंद, क्षमा करना, यहाँ से तीसरी गेंद डाली गई, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था टॉस के बीच में, और यह खूबसूरत शॉट पुल कर दिया, गेंद एक रन देखना है, दूसरा रन देना चाहते थे दोनों ही, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ही प्लेयर के बीच में। सैतालीस रन का पीछा कर रही है टीम। आलोक क्या लगता है आपको कि 47 रन चेज हो सकते हैं इस इनिंग में? मुझे एक्चुअली कुछ भी आइडिया नहीं कि अभी कितने बने हैं इस ओवर में, कितने बने अभी तक? तीन रन बने हैं। और ये गेंद और फिर इस बार फुल टॉस और बहुत अच्छा शॉट, देखना है कैच हो पाता है कि नहीं। एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए, और ये चार रन का इशारा अंपायर द्वारा, स्ट्रेट नहीं, दो रन। हालांकि हम पैर भी शायद नए हैं, और हम भी, और जिस हिसाब से वो बाउंड्री पर गेंद लगी थी और अंपायर का इशारा आया था, आखिरी गेंद बची है शायद इस ओवर की। बढ़िया हो रहा है जिस लिहाज से सामने वाली टीम को टारगेट है 47 रन का, ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति। इसी के साथ चलिए रुक करते हैं टॉस की तरफ। मनन राठौड़ हमारे टॉस के बॉस की फैमिली से, मातोश्री सरस्वती बेन, मानक चंद जी राठौड़, वेलकम मनन। एंड दोनों कैप्टन हमारे साथ, वी हैव अरहम फ्रॉम एवेंजर्स असेंबल, एंड थंडर चीता से वी हैव कल्प मेहता। पांच रन, ऑल द बेस्ट कैप्टन। एंड सर जी डू द ऑनर प्लीज, कौन ले रहा कॉल? Heads is the call from Kalp Mehta from Thunder Cheetahs, and heads it is. Kalp, दो मैचेस आप लोगों ने खेले हैं, एक जीते हैं और एक सीखे हैं। अब ये मैच की इम्पोर्टेंस को किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये मैच टीम के लिए? ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनल के आने के लिए। क्या कर रहे हैं आप टॉस जीतने के बाद? बैटिंग, फील्डिंग? फील्डिंग। कोई चेंजेस आपके प्लेइंग 11 में या फिर सेम टीम के साथ खेल रहे हैं? सेम टीम, थोड़ा और 100% और मोर, कोई चेंज नहीं ना प्लेइंग 11 में। चलते हैं उनके पास, सर हम के पास। क्या लगता है बेटा, आपने टॉस, अगर आपने टॉस जीता है, आप टॉस जीत के, आपको अगर आपने टॉस जीता होता तो क्या करते आप? हम लोग को भी बैटिंग ही चाहिए था। ओके, तो आपको बैटिंग मिल गई है, क्या रन, कितने रन बना पाओगे लगता है आपको पांच ओवर में? अगर हम लोग का स्टार प्लेयर खेल पाया तो फिर मारेगा, वरना देखते हैं। स्टार प्लेयर कौन है आपका? रणावत जरा हाथ उठाइए अपना। तो रणावत से बहुत सारी उम्मीदें, गेंद बाहर चली गई है, तो ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आई थिंक बाहर जाने पर मुझे कौन बताएगा, शायद से चार रन है, अंपायर ने तो चार दे दिया है।
Thunder Cheetahs have won the toss in kids category and they are doing fielding. They have invited their opponent Avengers Assemble to do bat first. Thank you so much, sponsor sahab. इस चौके की मदद से मैग्मा चौका स्कोर हो गया है 12. बी केयरफुल और ये डिक्लेयर रन 47 का है टारगेट इन सेकेंड ओवर आफ्टर 1.4 दैट स्कोर इज 13. 1.4 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन. ये खराब थ्रो है लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे अंकित, अन्यथा एक रन की गुंजाइश बन जाती वहां पर. डिक्लेयर जोन में वहां पर गेंद गई है, दो रन है डिक्लेयर, वहां पर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, दो रन डिक्लेयर है. जी पर आप भी इशारा कर दें और इन दो रनों से ओवर भी नंबर 2 समाप्त हो गया. दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस समय 15 रन, 15 रन 47 का टारगेट है. दो ओवर के बाद स्कोर है 15. राज भाई अब 18 गेंदें और 18 गेंदों में 32 रन बनाने हैं. लेकिन जिस तरह से सुनील भाई ने चौका लगाया, तीर ग्रुप के सभी जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी हैरत अंगेज नजर आए कि सुनील भाई का चौका. इस बार काफी प्रैक्टिस की है सुनील भाई ने. सुनील भाई कह रहे हैं जब भरत भाई मैन ऑफ द मैच ले सकते हैं, कपिल भाई इस उम्र में हैट्रिक ले सकते हैं, तो मैं चौके सिक्सर क्यों नहीं लगा सकता. कुणाल शाह टीम के कैप्टन आए हैं अब गेंदबाजी करने. बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब की थी कुणाल शाह ने और अब गेंदबाजी करेंगे कुणाल शाह. दो ओवर के बाद स्कोर है 15. 18 पे चाहिए 32. कुणाल शाह दाएं हाथ से तेज गेंदबाज, राइट आर्म ऑफ द विकेट और ये बहुत अच्छी गेंद ओवर पिच और खूबसूरत शॉट मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑन की तरफ समा करना. एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को. इस पारी में एक मैग्मा चौका हमें देखने को मिला है जो सुनील के बल्ले से आया था पहली ओवर में. दाएं हाथ से फिर एक बार तैयार और रफ स्टंप के बाहर और अच्छी गेंद डॉट बॉल, लेकिन एक रन 22 के तौर पे दोनों ही बल्लेबाजों ने छुड़ाया. ओवर थ्रो कीपर ने अच्छे कलेक्ट किया था लेकिन ओवर थ्रो कर दिया रन आउट के चक्कर में और एक रन का और इजाफा स्कोर में. स्कोर बढ़कर 17, 17 फॉर नो लॉस 2.2. Again, फिर एक बार और बहुत बढ़िया कैच. बहुत बढ़िया कैच. ऐसे कैच अक्सर हाथ में छिटक जाते हैं. अरमान क्या कहना है आपका इस कैच के बारे में? पलक झपकते ही उनके हाथों में गेंद जाकर इस तरह से समा गई जैसे शाम ढलने के बाद पंछी घोंसले में जाकर समा जाता है. बहुत बढ़िया जबरदस्त दर्शनीय दर्शनीय कैच. हमने रनिंग कैचेस बहुत सारे देखे आज सुबह से लेकिन इस तरह का अपने ही फॉलो थ्रू में कैच आज के दिवस का सबसे बेहतरीन. ये विकेट का हुआ पतन. यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज हमारे विकेट के स्पॉन्सर हैं. नैनेश भाई शाह के सम्मान में ये विकेट नंबर 1. पहले विकेट का पतन 17 रन एक विकेट के नुकसान पर. बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया कही थी. अब आए हैं नए बैटर जैकिन ऑन स्ट्राइक. काफी सुलझे हुए बल्लेबाज हैं ऐसा माना जाता है और बहुत खूबसूरत शॉट पुल ये कट कर दिया ऑफ साइड में. वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के जमाने में के भी ऐसे सिक्स लगे थे अरमान भाई अगर आपको याद हो तो. भरत भाई को वो जमाने याद है, हम तो बहुत ही नए पीढ़ी के हैं.
सिंगल रन। भरत भाई आज सुबह से इतने खुश हैं वो मैन ऑफ द मैच लेने के बाद। और ये ऊंचा, ओ वेल ट्राइड विरल भाई, वेल ट्राइड। सिंगल मिलेगा। हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर दिनेश जी हमारे बीच में जुड़े हैं, बहुत वेलकम है सर आपका। दिनेश जी मैं चाहता हूं कि आप भी एक मैच में खेलो, एक एक्सपीरियंस प्लेयर का भी मैच रखा जाए जिसमें भरत भाई आप लोग सब एक साथ में खेलते हुए नजर आए। ये शॉट है लाजवाब, कितने रन्स मिलेंगे देखने वाली बात रहेगी। हालांकि गेंद दीवार पर टकरा कर लौटी है तो दौड़ने पड़ेंगे आपको रन्स। डायरेक्ट लगा है अगर दीवार पर तो चौका होगा, डायरेक्ट है या टप्पा है अंपायर आप चेक करके बताइए। डायरेक्ट अगर लगा है तो चौका है, ये नियम है इस मैदान का। लेग अंपायर और मेन अंपायर, अंपायर ने कंफर्म किया कि डायरेक्ट गेंद दीवार पर लगी है और वहां पर मौजूद खिलाड़ी भी कितने सच्चे हैं, देखिए इशारा कर रहे हैं कि ये है चौका। मैग्मा बाउंड्री जैक इन के बल्ले से, इस चौके से ओवर भी आई थिंक सो समाप्त हो गया। इस ओवर में कुल मिलाकर 8 रन आए, टोटल स्कोर बढ़कर पहुंच गया 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन्स। अब 12 बॉल और 12 पे चाहिए 24, 12 बॉल 24 की है जरूरत, हर गेंद पे 2 रनों की जरूरत। राज भाई मैं आपको ये बात लिखित दे दूं कि अगर इन 12 गेंदों में से 7 से 8 गेंदे जैक इन खेलेंगे तो 99% चांसेस जो हैं वो जीत के स्टैलियंस के पास जाएंगे, रेड टीम के पास जाएंगे, बल्लेबाजी कर रही टीम के पास। लेकिन अगर उन्हें कम गेंदे खेलने का मौका मिला, 3 या 4 5 गेंदे ही खेलने का मौका मिला तो शायद मुश्किल होगा जैक इन के लिए। तो पूरा दारोमदार अब उस गेंदों पर है और स्ट्राइक पर है, अगर स्ट्राइक जैकलिन को मिलता है तो निश्चित तौर पर उनकी टीम को उसका बहुत फायदा पहुंच सकता है। हालांकि टीम, थैंक यू डीजे, थैंक यू। बॉलिंग रनअप के टाइम हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, कई प्लेयर्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं इस तरह से डीजे से और हमारे माइक्रोफोन के आवाज से भी। बहुत बढ़िया यॉर्कर, क्या जबरदस्त गेंद। ये हैं हमारे पार्थ जो हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर भी हैं फ्रॉम मुनानी मेटल, और पहली गेंद पर यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई शाह के सम्मान में ये विकेट का पतन। बहुत बढ़िया यॉर्कर देखने को मिला, कोई जवाब नहीं, सीधा यॉर्क लेन पर वो गेंद। अंकित हालांकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं ऐसा मुझे बता रहे थे टीम के साथी खिलाड़ी, लेकिन ना चूके यहां पर और कनेक्शन कोई नहीं, विकेट का पतन। अब नए बल्लेबाज मीत पहुंचे हैं मैदान पर, 11 गेंदे, 11 में 24 की है जरूरत। और इस बार खूबसूरत शॉट देखना है, 4 का इशारा आएगा। जी हाँ, ये है मैग्मा बाउंड्री। मीत आए पहली ही गेंद पर, आते ही साथ अपना जलवा दिखा दिया और अंदाज क्या है खेलने का उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहन में क्या बात चल रही है। पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद पर पूरी ताकत से प्रहार, 4 रन, मैग्मा बाउंड्री। 20 रनों की और जरूरत, अच्छी वापसी गेंदबाज की। जैसे ही पार्थ ने देखा कि ओवर पिच गेंद पर पूरी तरह से टूट से पड़े हैं मीत, जो लेंथ है उसमें कटौती कर दी, छोटी गेंद डिलीवर की और ये डॉट रहती हुई गेंद। अब 9 गेंदें बाकी हैं और 9 गेंदों में 20 रन चाहिए। फिर से शॉट, एक ही गियर में बल्लेबाजी करेंगे मीत और वो है टॉप गियर। अब तो आर पार की लड़ाई है, या तो इस पार या उस पार, क्योंकि बड़े स्ट्रोक के अलावा कोई चारा नहीं। और आई थिंक ये सही सोच भी है कि अटैक किया जाए, बिकॉज अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। अगर कोई चीज अगर आपको बचानी है तो अटैक कर लीजिए। एक चौका, फिर एक डॉट, फिर एक डबल, अब 8 बॉल में 18 रन की है जरूरत। और इस बार फुल टॉस, ऊंचा, दोनों ही फील्डर के नो मैच लाइन पर एक गेंद, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा कर दिया। इसी बीच बहुत अच्छी रनिंग भी टर्न विकेट, 2 रन, क्या तीसरा रन भागना चाहेंगे, नहीं, इरादा बदला। दोनों ही प्लेयर अपने क्रीज पर सुरक्षित, 2 रन लेकर 2 रन का और इजाफा स्कोर में और बढ़कर 31-31 16 रन अभी और बनाने हैं, गेंदे बची हैं 7, 7 बॉल्स 16 रन टू विन।
फिर एक बार स्लोअर और ये अंपायर ने अपील को भी मान लिया। जी हाँ, ये एक और सफलता पार्थ ने अपनी टीम को दिला दी एक पहली गेंद पर। मतलब जिस अंदाज में ओवर की शुरुआत की थी, समापन भी उसी अंदाज में किया। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई शाह के सम्मान में ये विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। ओवर समाप्त हुए चार, चार ओवर के बाद स्कोर है 31। अब छह गेंदों में चाहिए 16 रन। छह गेंदों में 16 और जरूर बड़े बड़े प्रहार की जरूरत। चार और छह अगर कोई देखने मिल जाए, जैसे कि अरमान आप बता रहे थे कि जैकिन अगर स्ट्राइक पे आते हैं, इनके ज़्यादा इन्हें अगर मौका मिलता है तो ये चीज़ आसान होगा। क्या लगता है अब छः गेंदों में 16 रन और जैकिन स्ट्राइक पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमने देखा है कि 15 से कम अगर हो तो फिर बल्लेबाज हावी हो जाता है, लेकिन 15 से ऊपर थोड़ा सा मेंटली एक प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन बड़े बल्लेबाजों के लिए 15 क्या और 20 क्या, जैकिन अगर दमखम है तो ये 6 पे 16 बनाने के लिए पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। और मुश्किल बड़ा खिलाड़ी तो वही है ना जो मुश्किल वक्त में चमके, के हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। 6 गेंदे 16 की जरूरत, जैकिन है स्ट्राइकिंग एंड पर। परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, लेकिन बड़ा तैराकी तो वही माना जाता है जो लहरों के विपरीत तैरता है। लहरों के साथ तो कोई भी तैर कर समुद्र पार कर जाए। 6 पे चाहिए 16। बहुत बढ़िया शॉट इस बार, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन। मुश्किल जरूर है स्टैलियंस के लिए, लेकिन ना वो कहते हैं ना कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, तूफान में फंसी कश्ती किनारे लग सकती है। हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, थक कर मत बैठ, ये खेल है, बाजी कभी भी पलट सकती है। अगर इस लेवल के क्रिकेट का आपको सिद्धू कहा जाए तो मैं गलत नहीं होऊंगा, अगर पब्लिक मुझसे दो रन सहमत तो है। मिलेंगे 2 रन डिक्लेयर। राज भाई मेरा तो मानना है सिद्धू ने अपना नाम बनाया, अरमान अपना नाम बनाएंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक मंजिल है वहां तक पहुंचेंगे, हर एक दौर में एक मंजिल। इस समय ये 2 रन से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 35। 4 बॉल पे 12 की जरूरत, 4 पे 12। अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन लेना चाहते थे, देखना है पूरा हो पाता है कि नहीं यार। इस बार रन आउट दूसरे रन पे, एक ही रन, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैकिन स्ट्राइक पर है। तीन गेंदें और 11 की जरूरत, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट का हुआ पतन। भरत भाई कहते हुए कि अरमान सही कहा तुमने, कि भरत भाई का ये डायलॉग है, कई चीजें हम भरत भाई से सीखते हैं। भरत भाई कहते हैं कि अपनी खुद की एक मंजिल सेट करो, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। 3 पे चाहिए 11। भरत भाई तो कह रहे हैं कि आसमान तक मत जाओ, आसमान को नीचे ले आओ, अलग ही सोच वाले इंसान है ये। 3 पे 11, जैकिन है स्ट्राइकिंग एंड पर। भाविक थोड़े से चोटिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पहुंचे हैं मैदान पर, ये डेडिकेशन नजर आता हुआ भाविक का। 3 पे 11। इस बार गलती कर गए। एक समय खेलना चाहते थे, लेकिन ये सोच करके शायद रीच से दूर है, वाइड शायद दे दी जाए, बल्ले को स्ट्रोक अटेम्प्ट नहीं किया बल्ले से और जाने दिया उस गेंद को, डॉट रही गेंद। अब 2 गेंदें और 2 गेंदों में 11 रन की जरूरत, 2 पे 11। और इस बार फिर उछाल कर मारा है गेंद बाहर, अंदर ही आ गया ये, एक रन दौड़ और एक ही रन, एक गेंदे एक गेंद 10 रन औपचारिकता। 6 गेंदें मिली जरूर, जिनमें से 5 गेंदों का सामना किया जैकिन ने, लेकिन कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया इनके बल्ले से, और अब तो आखिरी गेंद ही शेष रह गई है।
और आखिरी गेंद पर ये सफलता, मैच हुआ समाप्त। नौकार ने ये मुकाबला 9 रनों से जीत लिया। बहुत बधाइयां टीम नौकार एंड हार्ड लक स्टैलियंस। और इसी के साथ अरमान बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने का, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद। थैंक यू डीजे भाई। राज भाई, हम मारवाड़ियों का एक मानना है कि आप एक बार हमारी महफिल में आ गए तो आपको खिलाए बगैर छोड़ेंगे नहीं, तो आपको पहले हमारे साथ डिनर करना होगा, उसके बाद फिर आप यहाँ से अलविदा लेंगे। अरमान इस बार नहीं प्लीज, अरमान इस बार नहीं। थैंक यू सो मच राज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी जुड़ेंगे आपसे, आई थिंक अगले हफ्ते फ्राइडे को मुलाकात होगी होपफुली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर।